अब चलते हैं हम एग्जाम्पल वन की ओर। एग्जाम्पल वन में हमें क्या कहा गया है कि हमें यह बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स, और उनका रीजन भी देना है कि ट्रू हैं तो क्यों और फॉल्स हैं तो क्यों। पार्ट वन क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो पहले होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 अप टू प्लस इन्फिनाइट। एंड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनाइट। अब स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। नो, फॉल्स है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दैट्स वाई एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। अब चलते हैं पार्ट टू की ओर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो पहले इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर 0, 1, 2 अप टू प्लस इन्फिनाइट, और यहाँ पर -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनाइट। और रैशनल नंबर जिन्हें हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकें। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, ट्रू, क्योंकि सभी इंटीजर को हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0 by 1, 1 by 1, 2 by 1 एंड सो ऑन। और यहाँ पर -1 by 1, -2 by 1, तो क्या हुआ? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ट्रू, बिकॉज वी कैन राइट एवरी इंटीजर इन देयर रैशनल फॉर्म, क्योंकि हम सभी इंटीजर को उनके रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलते हैं पार्ट थ्री की ओर। पार्ट थ्री क्या बोल रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकें, और पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। एंड इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2 अप टू प्लस इन्फिनाइट, -1, -2 अप टू माइनस इन्फिनाइट। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब हम यहाँ पर 1 by 2 लिखते हैं। तो 1 by 2 एक रैशनल नंबर है बट नॉट एन इंटीजर, क्योंकि इसमें नहीं है। जैसे 3 by 4 है, ये रैशनल नंबर है बट नॉट एन इंटीजर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज 2 by 3 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर।